की इस वीडियो में मैंने आपके साथ आम के अचार की रेसिपी शेयर की है। यह अचार खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसको मैंने बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विजय और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अचार किसी भी खाने के स्वाद को बढ़ा देता है और खासकर आम का अचार हो तो उसको देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इस चटपटे से आम के अचार को मैंने किस तरह से बनाया है और इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसके पहले भी मैंने अपने चैनल पे अचार की बहुत सारी रेसिपी शेयर की है और आप लोगों ने उसे पसंद भी किया है। अगर आप लोगों को आम के अचार की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं हमें इस अचार को किस तरह से बनाना है। आम और लहसुन का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 400 ग्राम आम लिया है। आम बहुत ही बड़ा है, ये एक ही आम जो है वो 400 ग्राम है और उसके लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लहसुन लिया है। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो उसी हिसाब से आप प्रोपोर्शन को एडजस्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले आम को कट करके तैयार करना है। इस तरह से आम को कट कर लेना है। ये आम आपको देखने में पीला लग रहा होगा लेकिन ये पका हुआ आम नहीं है, ये कच्चा ही है, सिर्फ उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं अपने को, इस तरह से इसके एकदम छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। सारे आम को मैंने यहाँ पे कट करके रेडी कर लिया है और इस तरह से गुठली को निकाल दिया है। आप चाहें तो इसको गुठली के साथ भी कट कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे गुठली को निकाल दिया है। इस तरह से अचार जो होता है वो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर का बन के रेडी होगा। अचार बनाने के लिए जो हमें मसाला लगने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। 4 चम्मच मैंने यहाँ पे सौंफ लिया है और ये मोटी वाली सौंफ है। 4 चम्मच मैंने यहाँ पे पीली सरसों का दरदरा सा पाउडर बना लिया है। इस तरह से आपको दरदरा सा पाउडर बना लेना है इसका। 3 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। 2 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च लिया है। मिर्च का प्रपोर्शन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे अचार थोड़ा सा चटपटा ही अच्छा लगता है। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने मेथी दाना लिया है। मेथी और सौंफ को हम रोस्ट करके पाउडर बना लेंगे हल्का सा दरदरा। और यहाँ पे ये 2 चम्मच मैंने पंचफोरन लिया है, खड़ा पंचफोरन, इसको हम ऐसे ही ऐड करने वाले हैं। और 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक है और इसके अलावा जो चीज़ चाहिए होगा वो ये है सरसों का तेल। यहाँ पे मैंने ये 250 ग्राम सरसों का तेल लिया है। अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं हो तो आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं। मसाले को रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है और फ्लेम जो है वो स्लो रखेंगे। सबसे पहले इसमें सौंफ डाल देंगे और सौंफ को हल्का सा भून लेना है। बस सौंफ हल्का सा गर्म हो जाए और उसमें से खुशबू आने लगे बस उतना ही भून के अपने को रेडी करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे सौंफ का हल्का हल्का सा कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। इस टाइम पे इसमें जो मेथी लिया है हमने वो भी ऐड कर देंगे क्योंकि मेथी जो है वो बहुत जल्दी भून जाती है। और अब गैस को ऑफ कर देंगे और जितना पैन गर्म है बस उसमें इन दोनों को भून के रेडी कर लेना है। सौंफ की चटकने की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। ये हमारे मसाले जो है वो भून गए हैं, अब इनको हल्का सा दरदरा पीस के तैयार कर लेंगे। इस तरह से मेथी और सौंफ का दरदरा पाउडर बना लेना है आपको और इसको आप साइड में रख देंगे। और सेम पॉट में लहसुन को भी हल्का सा दरदरा क्रश करना है, पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा मोटा मोटा क्रश कर लेना है। इस तरह से आपको लहसुन को क्रश कर लेना है। देखिए कुछ लहसुन जो है वो खड़े भी हैं और कुछ जो है वो क्रश हो गए हैं, तो बस इसी तरह से आपको क्रश करके इसको रेडी कर लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। पैन को यहाँ पे मैंने फिर से गर्म होने के लिए रख दिया है और अब इसमें ये जो हमने सरसों का तेल लिया है उसको ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। और तेल को जब इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए उतने स्टेप तक इसको गर्म कर लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तेल में से बबल आने शुरू हो गए, ये देखिए तेल में से धुआं भी निकलना शुरू हो गया है। तो अब गैस को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देंगे और तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तेल यहाँ पे हल्का सा ठंडा हो गया है, अब इसमें ये जो हमने पंचफोरन लिया था उसको ऐड कर देंगे। अब गैस को ऑफ ऑन कर देंगे फिर से। यहाँ पे देखिए मेथी जो है वो लाल हो गया और राई हमारी कड़कने लगी है। इस स्टेज पे हमने जो ये लहसुन क्रश करके रखा था वो ऐड कर देंगे इसमें। और फ्लेम को एकदम स्लो रखना है। ये अचार जो है वो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। लहसुन को यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करना है, ज़्यादा नहीं कुक करना है। अब इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे। ये जो हमने मेथी और सौंफ का पाउडर लिया था वो ऐड कर देंगे। हल्दी ऐड कर देंगे, राई ऐड कर देंगे, लाल मिर्च ऐड कर देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च है और ये तीखी वाली लाल मिर्च है। सारे मसालों को तेल में अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे मसालों में जो भी मॉइस्चर रहेगा वो निकल जाएगा और आपका अचार जो है वो बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होगा। और इस मसाले को भी 1 मिनट के लिए कुक करना है, ज़्यादा नहीं कुक करना है। और 1 मिनट हो गया है, मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ और अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 6 चम्मच नमक लिया है, नमक आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। ये हमारा मसाला जो है वो ठंडा हो गया है, हल्का सा गुनगुना है। अब इस स्टेज पे ये जो हमने आम को कट करके रखा था वो मिला देंगे और अब
इसको मसालों के साथ अच्छे से कोट कर लेना है। यहाँ पे मैंने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आपको यहाँ पे लग रहा होगा तेल जो है वो मसाले में एब्जॉर्ब हो गया है, लेकिन जैसे जैसे ये अचार मैच्योर होता जाएगा तेल जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। इस स्टेज पे आप नमक को चेक कर लीजिए, अगर आपका नमक जो है वो ज़्यादा हो गया है तो आप थोड़ी सी कैरी और मिला सकते हैं, और अगर आपका नमक कम है तो यहाँ पे नमक जो है वो ऐड कर दीजिए। वैसे तो अगर इस तरह से भी आपने रखा तो ये अचार जो है वो साल भर तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पे ये 2 चम्मच विनेगर इसमें ऐड कर दे रही हूँ, इससे आपका अचार जो है वो लंबे समय तक बिल्कुल प्रिजर्व रहता है। मैं ज़्यादातर अपने अचार में विनेगर का यूज़ नहीं करती, सिर्फ सरसों का तेल जो मैं यूज़ करती हूँ उसको अच्छे से गर्म करके और अचार को अच्छे से धूप में 2 या 4 दिन रख देती हूँ। मेरा अचार जो है वो 2 साल 3 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता। ये हमारा अचार जो है वो बन के रेडी हो गया। इस अचार को आप ग्लास के कंटेनर में भर के 2 से 3 दिन अगर आपने धूप अच्छे से दिखा दिया तो अचार जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाएगा और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। किसी किसी को ऐसा लगता है कि अचार जो है वो धूप में अगर नहीं रखा गया तो ख़राब हो जाता है। अचार ख़राब होने का रीज़न वो नहीं रहता, अचार ख़राब होने का मेन रीज़न क्या है कि अगर अचार में थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह जाता है तो आपका अचार जो है वो ख़राब होगा। अगर आपने अच्छे से मसालों को सुखा के भून के अचार बनाया है तो आपका अचार जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब इस अचार को इस तरह के कांच के बॉटल में भर लेंगे और आपको इस तरह से मुंह पे कपड़ा लगा के और रबर बैंड लगा दीजिए, और जैसा कि आप देख रहे होंगे जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है ऑयल जो है वो सेपरेट होके ऊपर आते जा रहा है। कैसी लगी आम के अचार की रेसिपी? उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।